समरी ऑफ द सब्सिडरी बुक्स क्या लिखा है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीव, बिल्स पेबल यू कैन इग्नोर फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे हमें ये लास्ट दो कॉलम की कोई जरूरत नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, परचेज बुक में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स, राइट। सेल्स बुक में कौन से होंगे, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। परचेज बुक में कौन से होंगे, जो परचेज बुक में रिकॉर्ड हुए उसमें से जो रिटर्न होंगे ना वो परचेज बुक में होंगे। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस रिकॉर्ड इन द परचेसेस बुक। सेल्स रिटर्न बुक में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, जो सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुए वो वाले, मतलब क्रेडिट पे जो सेल किया था अगर वो रिटर्न होता है तो वो सेल्स रिटर्न बुक में होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है परचेस बुक के लिए, परचेस इनवाइस, इनवर्ड इनवाइस और बिल, हम बोलते हैं हमें बिल दे दो, राइट ना। दैट इज सेल्स इन सेल्स बुक के लिए कौन सा रहता है, सेल्स इनवाइस और आउटवर्ड इनवाइस, और हम उसको बिल ही बोलते हैं, राइट। ये बिल ले लो बोल के, परचेस करते टाइम बोलते बिल दे दो, सेलर भी बोलता है ये आपका बिल ले लो, समझ में आ रहा है। एक्चुअली इट इज अ परचेस इनवाइस एंड सेल्स इनवाइस इज मोर अप्रोप्रिएट, बट परचेस इनवाइस के टाइम बोलते इनवर्ड इनवाइस एंड सेल के टाइम बोलते हैं आउटवर्ड इनवॉइस। परचेज बुक के लिए हम क्रेडिटर्स को डेबिट करते हैं इसलिए डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न में डेटर्स को हम क्रेडिट करते हैं इसलिए क्रेडिट नोट। टोटल ऑफ द बुक, परचेज बुक की टोटल क्या होगी, विल बी डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। टोटल ऑफ द बुक राइट रिप्रेजेंट टोटल क्रेडिट परचेस ड्यूरिंग द ईयर। परचेज बुक की टोटल क्या दिखाती है, टोटल गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। सेल्स बुक की टोटल क्या दिखाएगी, टोटल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बराबर ना, टोटल क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड। परचेस बुक की टोटल क्या दिखाएगी, टोटल रिटर्न ऑफ गुड्स, राइट। हमने परचेस किए तो कितने रिटर्न किए हमने, सेल्स रिटर्न क्या दिखाएंगे, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। सो टोटल टॉक्स अबाउट द टोटल ऑफ दैट पीरियड। देन पोस्टिंग टू इंडिविजुअल पार्टीज अकाउंट। परचेस बुक से, परचेस बुक में हमें दो अकाउंट्स मिलते हैं, एक क्रेडिटर्स एंड परचेसेस, राइट। क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया जाएगा एंड परचेसेस को डेबिट किया जाएगा, तो वही लिखा होगा क्रेडिट सेलर्स अकाउंट, राइट। हमारे जो सेलर्स हैं उनको क्रेडिट करेंगे एंड पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ परचेस बुक, परचेस बुक की टोटल कहाँ पे जाएगी, टू द डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट एज टू संडे एज पर परचेस बुक। देन सेल्स बुक की टोटल का क्या होगा, या सेल्स बुक की पोस्टिंग कैसे होगी। सेल्स बुक में दो अकाउंट रहेंगे, डेटर्स एंड सेल्स। डेटर्स को डेबिट किया जाएगा इंडिविजुअली, डेबिट बायर्स अकाउंट एंड जो टोटल रहेगी सेल्स बुक की वो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट की जाएगी टू द क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट एज बाय सेंडर एज पर सेल्स बुक। परचेस बुक में क्या होगा, परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, क्रेडिटर्स डेबिट होते हैं, सेलर्स अकाउंट क्या होगा हमारा डेबिट। तो सेलर्स अकाउंट को डेबिट करोगे एंड परचेस बुक की टोटल परचेस अकाउंट को क्रेडिट की जाएगी तो द क्रेडिट ऑफ परचेस रिटर्न अकाउंट एज बाय सेंडर एज पर परचेस रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का क्या होगा, सेल्स रिटर्न बुक का, सेल्स रिटर्न बुक के केस में दो अकाउंट्स रहेंगे, एक रहेगा सेल्स रिटर्न एंड दूसरा रहेगा डेटर। डेटर को क्रेडिट करना होगा, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, वही लिखा होगा क्रेडिट बायर्स अकाउंट एंड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट एज टू संडे एज पर सेल्स रिटर्न। ये हमने प्रैक्टिस भी की थी तो इसकी समरी है, ठीक है। लेट्स टेक द ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट बोलते चलो, नेम द डॉक्यूमेंट विच इज यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इन टू बैंक। पता है, व्हेन यू डिपॉजिट कैश और चेक इन टू बैंक यू हैव टू फिल इन पे इन स्लिप। पे इन स्लिप, पे इन, ठीक है, वो स्लिप होती है। एक्चुअली उसके दो पार्ट्स होते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट उनके पास रहता है, एक पार्ट हमारे पास रहता है, पे इन स्लिप, ठीक है। आगे नहीं, व्हेन यू विड्रॉ, कौन सी स्लिप यूज होती है, विड्रॉवल स्लिप। डिपॉजिट करते टाइम पे इन स्लिप एंड विड्रॉ करते टाइम विड्रॉवल स्लिप। नेम द चेक विच कैन बी इन कैश एट ए बैंक काउंटर। कौन सा चेक बैंक काउंटर पे इनकैश होता है, बोलो, बेयरर चेक, विद कैन बी राइट कैश में कन्वर्ट हो सकता है, बेयरर। नेक्स्ट, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट
इन द लेजर बैंक अकाउंट, बोलो, एक्सट्रैक्ट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, हाँ बोलो, एक्सट्रैक्ट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक लेजर लिखा है ना, पासबुक, एक्सट्रैक्ट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन द लेजर ऑफ बैंक, बैंक के बुक्स में हमारा क्या, बैंक से हम क्या अपडेट करवा देते, पासबुक, जैसे हमारे बुक्स में बैंक अकाउंट होता है ना, हमारे बुक्स में वे अकाउंट विद द बैंक, सो देयर आर टू पार्टीज, एक हम है कस्टमर और दूसरे बैंक, हम कैश डिपॉजिट करते, कैश निकालते, चेक डिपॉजिट करते, इश्यू करते चेक, हमारे अकाउंट में पैसे आते, हमारे अकाउंट से पैसे जाते, बराबर ना, तो ये सब ट्रांजेक्शन है, हम भी रिकॉर्ड करते, बैंक भी रिकॉर्ड करती, हम रिकॉर्ड करते कैश बुक में, हम किसमें रिकॉर्ड करते, कैश बुक बैंक कॉलम में, कैश बुक बैंक कॉलम में, बैंक वाले जो रिकॉर्ड करते हैं उनके उसमें मेरा, जैसे मेरे बुक्स में बैंक का अकाउंट है, वैसे उनके बुक्स में मेरा अकाउंट रहेगा ना, लॉजिकल राइट, हमारा अकाउंट नंबर रहता है, सो जैसे मेरे बुक्स में कैश बुक बैंक कॉलम है, उनके बुक्स में मेरा अकाउंट रहता है, उसको वो बोलते हैं पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, उसको क्या बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट जनरली, अब पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, हम क्या बोलते हैं, पासबुक अपडेट करवा के लाएंगे, मतलब आपके एंट्रीज हमें दिखाओ, आपने क्या एंट्रीज डाले, ठीक है, इट इज अ पासबुक, so my account in the books of bank, my account in the books of bank is passbook, bank account in my books is a bank column of the cash book, samjha, aage, aage, person who maintains petty cash book, ye abhi kal kiya tha shayad se, petty cashier, a bank account which the businessman prefers to open, ये मैंडेटरी है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है, पेटी कैश बुक इन विच पेमेंट साइड इज रूल्ड इन सुटेबल कॉलम्स, कल देखा था, पेटी कैश बुक जिसमें पेमेंट साइड्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, मानसी ने बोला था ना कल, पेटी कैश बुक, आगे सब्सिडरी बुक इन विच ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड, सब्सिडरी बुक्स इन विच ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड, परचेसिंग बुक, सब्सिडरी बुक्स इन विच रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड, सेल्स रिटर्न, एसआरबी, सेल्स रिटर्न बुक, आगे बुक इन विच कैश डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड इज रिकॉर्डेड, दो कॉलम होते हैं ना, कौन से दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट पे होता है डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट पे होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, अकाउंटिंग इंट्रीज पास्ड इन द जर्नल, अकाउंटिंग इंट्रीज पास्ड इन द जर्नल प्रॉपर फॉर द करेक्शन ऑफ द मिस्टेक्स कमिटेड इन द बुक्स, क्या बोला है, करेक्शन ऑफ द मिस्टेक, करेक्शन को बोला था रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाई कर दो मतलब करेक्ट कर दो, एंड मिस्टेक मतलब एरर्स, तो लिखो रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये चैप्टर है अलग से, ये अलग चैप्टर ही है, ठीक है, सो डोंट वरी, ये सीखना है हमें, आगे वाले चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा, ये समझ लेना, अगर ये स्ट्रांग है ना, आगे वाले चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा, अकाउंटिंग इंट्रीज पास्ड इन जर्नल प्रॉपर फॉर द करेक्शन ऑफ द मिस्टेक्स कमिटेड इन द बुक्स, अगर कुछ गलतियां हुई होगी बुक्स में इंट्री पास करते टाइम, तो उसको डिलीट नहीं किया जाता, उसको करेक्ट किया जाता है, कुछ तो ऐसे करना होगा तो रॉन्ग विल बिकम करेक्ट, एक एग्जाम्पल आप चाय बनाते हो, मैडम शक्कर कम हो गई तो तू कैसे उसको करेक्ट करेगी, या फेंक देगी चाय और नया चाय बनाएगी, क्या यूज करेगी, और शक्कर डाल के हो गया रेक्टिफाई, मैडम चक्कर ज्यादा हो गए तो क्या करेगी, ये फेंक देगी, सो देयर इज सम वे टू करेक्ट ना, कुछ तो ऐसे करेगी वो क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए, वैसे बुक्स में क्या होता है, व्हेन यू पास द एंट्री एंड सपोज द एंट्री इज रॉन्ग, उसको डिलीट या फाड़ा नहीं जाता, उसको कुछ तो ऐसे किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा कि वो क्या हो जाए, करेक्ट, टू रॉन्ग्स मेक्स करेक्ट, देयर इज वन रॉन्ग, आई विल डू समथिंग रॉन्ग
we two wrongs make it like two minus makes positive. Similarly, there's an error. I will also commit another error, but two errors will compensate and will make it correct. समझ में आ रहा है? तो actually तूने शक्कर ज्यादा नहीं डालनी चाहिए, but तूने डाल दी. या तूने दूध ज्यादा नहीं डालना चाहिए, फिर भी तूने डाल दिया. मतलब कुछ तो ऐसे किया कि वो क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए. Are you getting my point? नहीं, उसको बोलते हैं rectification of errors. A note issued by buyer to seller giving full details of goods return. A note issued by buyer to seller giving full details of goods return. Buyer to seller ना? Right note. Perfect. आगे. Note issued by seller on receipt of defective goods from the customer. What? बायर को, वो बायर को डेबिट नोट देगा. एक सेकंड. नोट इश्यूड बाय बायर, बायर सेलर को डेबिट नोट देगा. रे ये डेबिट नोट होगा. बायर सेलर को कौन से, बायर के लिए सेलर कौन है, क्रेडिटर है ना. बायर के लिए सेलर कौन है, क्रेडिटर. तो उसको कौन सी नोट मिलेगी, उल्टी डेबिट नोट मिलेगी. और यहां पे कौन सा रहेगा, नोट इश्यूड बाय सेलर ऑन रिसीट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम द बायर. बायर सेलर, उसको क्या किया, डेबिट किया. नोट इश्यूड बाय सेलर, सेलर क्या एंट्री पास करेगा, जब गुड्स रिटर्न होंगे वो एंट्री पास करेगा सेल्स रिटर्न टू बायर. तो बायर को उसने क्या किया, क्रेडिट. एक एंट्री सोचो ना, और अकॉर्डिंगली यू विल गेट द आंसर. आगे, साइनिंग ऑन ए बैक ऑफ चेक टू ट्रांसफर इट्स ओनरशिप, क्या बोलते थे इसको, याद है? ये क्वेश्चन किए थे भी मैंने. व्हेन यू साइन ऑन बैक ऑफ ए चेक सो दैट यू कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ चेक, क्या बोलते थे मैडम? एनीवन? किसी ने मुझे चेक दिया है, मैं किसी और को दे सकता हूं वो चेक, उसको क्या बोलते हैं मैडम, भूल गए? एनीवन? एंडोर्समेंट लिखो, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट की एंट्री की थी. व्हेन यू एंडोर्स द चेक, व्हेन एंडोर्स चेक गेट डिसऑनर्ड, बराबर ना. बैंक ऑन होम चेक इज ड्रॉन, बैंक ऑन होम चेक इज ड्रॉन, क्या ड्रॉइंग, कल डिस्कस हुआ था. बैंक, जिस बैंक पे आप चेक ड्रॉ करते हो उसको ड्रॉवी बैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रॉवी बैंक. एंड जो चेक ड्रॉ करता है, साइन करता है, वो ड्रॉवर. एंड जिसको चेक इश्यू करते हैं वो होता है पे. एक्सेस ऑफ बैंक विड्रॉवल ओवर बैंक डिपॉजिट्स, withdrawal over deposits, overdraft, obviously overdraft. Then select the most appropriate alternatives from the isne parag ne bola tha barabar endorse. Select the most appropriate alternative from those given below and rewrite the statement. Cash column of the cash book can never have which balance, credit. Ye kal kiya tha kya, nahi na, टेक्स्टबुक में सेम है, ठीक है. एंड एंट्री रिकॉर्ड ऑन द बोथ द साइड्स, हाँ क्विकली करते हैं कॉन्ट्रा, ये डिस्कस हुआ था. उन्होंने दे आर नॉट चेंज एक्चुअली टू बी प्रिसाइज, उन्होंने चेंज नहीं किया शायद से. हाँ ठीक है, ठीक है, अलग क्वेश्चन से आगे, ठीक है. द सोर्स डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग इन परचेस बुक कौन सा होता है, परचेस बुक में इनवर्ड इनवाइस, बराबर ना, इनवर्ड इनवाइस, ओके. क्रेडिट परचेस ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड इन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है. क्रेडिट परचेस ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड इन विच बुक, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है. तेरे पास बुक नहीं है, ये ले. आगे नेक्स्ट,
ऐसे बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा मैडम, बोलना चाहिए ना। सब डिवीजन ऑफ जर्नल इज नोन एज सब सब्सिडरी बुक्स। 45 पेज नंबर देख। एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस इन अ बिजनेस इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आगे एंट्री फॉर बैड डेट्स इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ये पहले कोई क्वेश्चन वैसे के वैसे रखे नए बुक में भी। आगे द डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन टू आर बैंक इज रिकॉर्डेड ऑन रिसीट साइड बिकॉज वी रिसीव द मनी राइट। एंट्री आएगी रिसीट साइड पे टू कस्टमर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। द पर्सन हु ड्रॉज द चेक एंड साइंस इट ड्रॉवर, परफेक्ट। द अमाउंट इज डिपॉजिट ए फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिटेड फिक्स पीरियड इन विच अकाउंट, कल ही बोला था आपने फिक्स्ड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ट्रू और फॉल्स, टोटल ऑफ पेमेंट साइड कैन बी ग्रेटर देन टोटल ऑफ रिसीट साइड इन द कैश कॉलम इन इन केस होना चाहिए। हाँ इन केस ऑफ होना चाहिए, लिखो उधर इन केस ऑफ बैंक कॉलम। मैं वही सोच रहा हूँ इसे क्या लिखा। अच्छा यहाँ पे नहीं किया होगा। द टोटल ऑफ पेमेंट साइड कैन बी ग्रेटर देन टोटल ऑफ रिसीट साइड, ये हो सकता है बैंक कॉलम में, यस उसको ही बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, उसको ही बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, ट्रू। परचेस ऑफ असेट्स और स्टेशनरी ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। परचेस ऑफ असेट और स्टेशनरी ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। स्टेशनरी वगैरह परचेस बुक में रिकॉर्ड होता है क्या? परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? गुड्स। दिस इज फॉल्स। व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय बायर टू सेलर, व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय बायर टू सेलर, बायर सेंड्स क्रेडिट नोट। जब बायर सेलर को गुड्स रिटर्न करेगा, सेलर उसके लिए कौन है? बायर क्रेडिटर है, तो उसको क्रेडिट नोट देगा या डेबिट नोट देगा? रिवर्स होगा ना ट्रांजैक्शन, तो क्या क्या देगा? डेबिट नोट देगा। फॉल्स, ऐसे सोचना है। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट ऑन द सेम डे, क्या एंट्री आती है कैश बुक में? क्या आती है? डायरेक्ट एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई क्या? नहीं, फॉल्स। कौन सी एंट्री कॉन्ट्रा हो सकती है इसका मतलब? यस, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड टुडे, बेयरर चेक रिसीव्ड टुडे एंड डिपॉजिटेड ऑन लैटर डेट। जब आप लैटर डे पे डिपॉजिट करोगे ना, वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। देयर आर व्हाट आर द कॉन्ट्रा एंट्री जिसमें कैश एंड बैंक इन्वॉल्व होते हैं? कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट, या बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ऐसे जो ट्रांजेक्शन रहेंगे। मतलब एक रिसीट साइड पर रिकॉर्ड होगा और एक पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड होगा। लाइक एग्जाम्पल, कैश डिपॉजिट टू बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तीसरा, बेयरर चेक रिसीव्ड अर्लियर नाउ डिपॉजिटेड, जब डिपॉजिट होगा तो हम बोलते हैं कैश डिपॉजिट टू बैंक। फोर्थ होता है ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, क्योंकि अगर हमारे पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रहेंगे तो कैश बुक में बैंक के अलग अलग कॉलम्स रहेंगे। जैसे हमने एक ही बैंक का कॉलम निकाला ना, ऐसे जितने बैंक रहेंगे उतने कॉलम्स रहेंगे। रिसीट साइड पे सबको दो अकाउंट्स है हमारा, एक है एचडीएफसी में और आईसीआईसी में, तो रिसीट साइड पे एचडीएफसी का एक कॉलम रहेगा, आईसीआईसी का एक कॉलम रहेगा। वैसे पेमेंट साइड पे भी सपोज एचडीएफसी से निकाल के आईसीआईसी में ट्रांसफर किया, तो पेमेंट साइड एचडीएफसी कॉलम में रिकॉर्ड होगा, बिकॉज पेमेंट कहाँ से हो? एचडीएफसी से हुआ है, और कहाँ पे आया है? हमारे आईसीआईसी में, तो रिसीट साइड आईसीआईसी कॉलम में होगा। लॉजिक रिमेन सेम, एंट्री आएगी आईसीआईसी अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी अकाउंट क्रेडिट। हमारे दो अकाउंट है ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके दो अकाउंट हो सकते हैं, लाइक मेरे दो तीन अकाउंट है, डिपेंड्स हम कौन सा अकाउंट कहाँ पे यूज करते हैं। पर्सनल ट्रांजेक्शन के लिए मैं एक एक्स वाई जेड अकाउंट यूज करता हूँ, मेरे कुछ अलग ट्रांजेक्शन के लिए मैं एबीसी अकाउंट यूज करता हूँ, एग्जाम्पल होते हैं ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक अकाउंट से आप दूसरे अकाउंट में डाल दिए, लाइक एग्जाम्पल सपोज दिस इज योर, लेट मी शो यू,
निगम। सपोज दिस इज योर कैश बुक, ठीक है, ये कैश बुक। सबसे पहले कॉलम रहेगा डेट, बराबर, देन रिसीट्स। मैं बाकी कॉलम नहीं निकाल रहा हूँ, रिसीट नंबर वगैरह, ठीक है, समझ लेना। LF वगैरह मैं नहीं निकाल रहा हूँ, दिस इज कैश कॉलम, दिस इज ICICI कॉलम, दिस इज HDFC बैंक। उसके बाद आएगा डिस्काउंट अलाउड कॉलम, ठीक है, सेम कहां पे रहेंगे, पेमेंट साइड पे रहेंगे, बराबर, पर यहां पे लिखा रहेगा पेमेंट। लॉजिक रिमेन सेम, आप ये चीज समझ लेना, जो भी मैं इतना टाइम स्पेंड करूं उसके पीछे मुझे एक लॉजिक है ना, लॉजिक वही रहता है, इसलिए वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना, सपोज दिस इज योर कैश बुक, दिस इज योर कैश बुक। सपोज ऐसे मान के चलो, यू हैड ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल, यू हैड ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2021, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, योर 10,000 रुपीज कैश इन हैंड, ठीक है, 10,000 रुपीज कैश इन हैंड, ध्यान देना, यू हैव 20,000 इन द ICICI अकाउंट, यू हैव 5,000 इन द HDFC अकाउंट, बिजनेस हैज टू करंट अकाउंट्स, बिजनेस हैज टू करंट अकाउंट, ठीक है। ऐसे मान के चलो आपने ICICI बैंक से पेमेंट ट्रांसफर किया HDFC में, यू ट्रांसफर 7,000 फ्रॉम ICICI टू HDFC, तो आपके बुक्स में एंट्री क्या आएगी, आपके बुक्स में एंट्री क्या आएगी, व्हेन यू ट्रांसफर फ्रॉम ICICI इनटू HDFC अकाउंट, तो क्या एंट्री आएगी, HDFC अकाउंट डेबिट टू ICICI, जिसमें पैसा है वो डेबिट होगा और जिससे चले गए वो क्रेडिट होगा। सो रिसीट साइड पे कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करूं, ICICI में करो HDFC में करो, रिसीट साइड पे कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करो, HDFC, HDFC में 7,000 आ गए, और पेमेंट साइड पे कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करूं, ICICI चले गए, राइट। तो यहाँ पे आएगा, अब HDFC कॉलम में लिखते टाइम ऑब्वियसली टू HDFC तो नहीं लिख सकता, वो गलत होगा, मतलब HDFC डेबिट और HDFC क्रेडिट, ऐसी कोई एंट्री नहीं होगी, तो दूसरा लेना होगा टू ICICI, बराबर, समझा। और यहाँ पे आ जाएगा सपोज दिस इज ऑन 5 अप्रैल, यहां पे आ जाएगा बाय व्हाट, HDFC, बराबर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अब कितना बैलेंस हो गया ICICI में, देखो रिसीट कितना है, रिसीट साइड 13, पेमेंट साइड कितनी मैडम, 7, कितना बैलेंस हो गया, 13,000, बराबर ना, इसमें पहले कितना था, 5,000, अब 7,000 डालने के बाद कितना हो गया, 12,000। तो ऐसे कॉलम हो सकते हैं कि खाली एक बैंक नहीं होता है, जो आप बोल रहे हो ना, इट्स योर चॉइस फॉर कन्वीनियंस, लाइक वी हैव 3 बैंक अकाउंट्स, राइट, हमारा प्रेस्टीज पॉइंट का अलग बैंक अकाउंट है, कैम का अलग है, एंड नवीपेट का अलग है, मैं दो जगह का देखता हूँ, प्रेस्टीज पॉइंट एंड कैम, तो मेरे पास दो बैंक का एक्सेस है, ऑब्वियसली इट्स योर चॉइस ना, तो उससे क्या होता है कि ट्रैकिंग अलग रख सकते हो आप, ट्रैकिंग अलग रखती है ना, हर ब्रांच वाइज अलग अलग बैंक रखो, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इंस्टेड ऑफ कीपिंग एवरीथिंग इन वन बैंक, अलग अलग रखे तो प्रॉब्लम नहीं ना, कंप्लाई, मतलब आपको हर चीज, मतलब आपको एक और कॉलम करना पड़ा, आपको एक और पासबुक में ट्रैक रखना पड़ा, काम इंक्रीज हुआ, बट समटाइम्स इट इज इजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज ऑलवेज, क्या होता है कि जितने आप, अगर आप सेपरेट सेपरेट रखते हो ना, इंस्टेंट मिक्सिंग, दैट इज गुड, आपका पर्पज अलग हो सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर्पज अलग हो सकता है,
मेरे पास दो तीन सेविंग अकाउंट, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का है, क्योंकि जब मैं बीएमसीसी में एडमिशन लिया तब वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा था, उनका टाइप कॉलेज के ही प्रीमाइसेस में वो बैंक थी, अब वो बंद हो गई, बहुत पहले बंद हो गई। तो स्टूडेंट फीस वगैरह पे करनी तो उसके थ्रू ही पे करनी होती, तो हर स्टूडेंट को ओपन करना पड़ता था। तो आज भी मेरा है कुछ तो 90 या 100 रुपीज रहेंगे उसमें, आई नेवर यूज इट। देन आई वर्क विद एचडीएफसी, तो एचडीएफसी का भी मेरे पास सेविंग अकाउंट है, मैंने उसमें टेम्पररी मिनिमम बैलेंस रख के वो रख दिया है कि कभी एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड अच्छे रहते हैं, तभी आपने देखा होगा अमेजोन वगैरह परचेज, उसके लिए यूज करता हूँ, उस पर बहुत सारे ऑफर्स होते हैं एचडीएफसी के, आई यूज दैट। अभी मैंने राइट मेरे मैं पहले से कस्टमर हूँ आईसीआईसीआई का, तो आईसीआईसीआई का मेरे पास है जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, एंड रिसेंटली आई ओपन स्टैंडर्ड चार्टर्ड, वो मेरे पर्पस के लिए। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आई एम यूजिंग 4 सेविंग्स अकाउंट, उसमें से 2 डोरमेंट है, मैंने मिनिमम बैलेंस रख दिया वहां पे, पहले से है मेरे वो दो, मतलब एक तो मैंने जॉब किया इसलिए था, मैंने वो क्रेडिट कार्ड के लिए रखा है जानबूझ के, कि क्रेडिट कार्ड के लिए एक्चुअली बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, बट जल्दी मिल जाता था, इसलिए मैंने वहां पे मेरा एम्प्लॉय था तो मैंने वहां पे रख दिया, और मैंने वो बंद नहीं किया, मैंने मिनिमम बैलेंस रख दिया तो मुझे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और वो मैंने शिफ्ट किया मेरे गाँव में, पुणे में नहीं है उसका बैंक, मतलब यू कैन आपकी ब्रांच होती है ना, विलेजेस में मिनिमम बैलेंसेस कम रहते हैं, तो मैं थोड़ी बैंक में जाने वाला हूँ, आई नेवर गो टू बैंक टू बी वेरी फ्रंट, और हर चीज मोबाइल पे, राइट आप डिपॉजिट स्लिप भी यहाँ पे भर सकते हो मोबाइल पे, विड्रॉल स्लिप यहाँ पे भर सकते हो, एटीएम में जाना पड़ता है, कौन जाता है, तो मुझे पता है मुझे जाना नहीं है, तो मैंने क्या किया सब अकाउंट्स मेरे गाँव में शिफ्ट कर दिए मेरे तालुका प्लेस पे, उससे मिनिमम बैलेंस कम रखना पड़ता है, यहाँ पे अगर 5,000 मिनिमम बैलेंस है वहां पे तो 500 रुपए है, क्योंकि विलेज आ गए ना, राइट ऑन रूरल एरियाज में मिनिमम बैलेंस कम है एज पर आरबीआई नोटिफिकेशन, तो बेटर वहां पे रखो, कौन सा अकाउंट कभी भी लग सकता है, कुछ रीजन के लिए लग सकता है कि यू आर ए कस्टमर, कितने दिन से कस्टमर, तो कोई बेनिफिट भी मिल सकता है, ये मेरा पर्पज है, बंद करने से रख देता हूँ, ठीक है, और आई डोंट मैं उसमें कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं करता, आरबीटी माई पॉइंट। तो ये होता है, सो आपका पर्पज अलग हो सकता है, इतने बैंक अकाउंट क्यों, तो बट कंट्रोल रहना पड़ता है, लाइक अगर आप यूज करते हो तो आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, इफ यू डोंट यूज मिनिमम बैलेंस रख दो, कोई टेंशन नहीं, इंटरेस्ट आता रहता है, वो कितना रहेगा इंटरेस्ट, 10-15 रुपए मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आता होगा, वैसे भी हम विड्रॉ नहीं करते वो, आरबीटी माई पॉइंट, सो इट्स योर चॉइस। अब ऐसे समझो कि एचडीएफसी से आईसीआईसी में पैसे घुमाए कितने, यहाँ पे 12,000 है, चलो ऐसे मानो 10,000 आपने एचडीएफसी से आईसीआईसी में ट्रांसफर किए, तो आपके एंट्री क्या आएगी, यू ट्रांसफर फ्रॉम एचडीएफसी टू आईसीआईसी, अब एंट्री क्या आएगी, आईसीआईसी अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी, रिसीव साइड कौन से कॉलम में आएगा, जिस बैंक में पैसे आए, किस बैंक में आए, आईसीआईसी, और पेमेंट साइड में कहाँ पे आएंगे, एचडीएफसी, एचडीएफसी से चले गए और किस में आ गए, आईसीआईसीआई में, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू एचडीएफसी, और यहाँ पे क्या आएगा, बाय वो दिस हैपेंड ऑन 15, समझा, तो ये जो ट्रांजैक्शन है मैडम, दीज आर ऑल्सो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जितने बैंक अकाउंट रहेंगे ना पे करंट, उतने कॉलम्स रहेंगे, समझ में आ रहा है, या लोग खाली बैंक बुक निकालते हैं, खाली बैंक बुक मतलब इसको ही राइट अंडरस्टैंड, ये आ गया आपका कैश बुक विथ कैश कॉलम ओनली, क्या करेंगे ध्यान देना, एक निकालेंगे कैश बुक विथ कैश कॉलम, उसमें बैंक कॉलम नहीं रखेंगे, और दूसरा बुक निकालेंगे जिसमें खाली बैंक कॉलम रहेंगे, सेम फॉर्मेट विदाउट कैश कॉलम, एक बुक को दो में स्प्लिट कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, इट्स योर स्किल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपकी स्किल है, एक बंदा खुला खाली कैश कॉलम देखेगा, एक बंदा खाली बैंक कॉलम देखेगा, अगर उतने ट्रांजेक्शन है तो, क्योंकि रिलायंस जैसे कंपनी में इट इज वेरी डिफिकल्ट, एयरटेल का देखो ना कितने पैसे डेली आते होंगे, अरे रिचार्ज 100-100 लोग 10-10 रुपए का रिचार्ज करते हैं, उनके बैंक में आता है ना, तो कितना हेवी कंट्रोल लगता होगा, डोंट यू इमेजिन, तो उसके लिए अगर इतना मिक्स करके एक कोई बंदे को सर्व देते तो प्रॉब्लम रहेगा, उसलिए वहां पे एक अलग बंदा रहेगा, एक मतलब एक प्रॉपर डिपार्टमेंट रहेगा वो सब चेक करने को,
ट्रेस करने को, आई आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब ये क्लिक होगा ना, तब आपको समझेगा कि इतने सारे बुक्स क्यों, बिकॉज उतना कंट्रोल होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। आगे सो क्या बोल रहा था गांधी ना, कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। फर्स्ट कैश डिपॉजिट इन टू बैंक, सेकंड कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तीसरा बेरर चेक जो पहले मिला है नाउ डिपॉजिटेड, जब डिपॉजिट होगा वो कॉन्ट्रा होगा इंट्री, क्योंकि बैंक अकाउंट में टू कैश। एंड फोर्थ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं बट वो होता है, वेन यू ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक ऑफ योर बिजनेस ओनली, मतलब आपके ही दो अकाउंट है, आपने किसी और को ट्रांसफर किया वो कॉन्ट्रा नहीं, आपके ही दो अकाउंट है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, और मैंने दिखाया भी वो कॉन्ट्रा क्यों, बिकॉज वो अपोजिट साइड पर रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट, सिंपल पेटी कैश बुक इज नॉट वेरी पॉपुलर, ट्रू, कोई सिंपल नहीं रखता, दे मेंटेन मल्टीपल कॉलम कैश बुक। कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक मतलब खाली कैश कॉलम वाला, ठीक है, हम जनरली कौन से रखते हैं, कैश एंड बैंक इन योर 11th, बट एक्चुअली होता कौन सा, कैश बैंक एंड योर डिस्काउंट भी होता है, और बैंक एक नहीं, बैंक अलग अलग कॉलम भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक इज रिकॉर्ड इन द कैश कॉलम, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट लगाया है, क्या एंट्री आएगी, जब बैंक आपको इंटरेस्ट लगाएगी तो एंट्री आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक आपसे पैसे निकालेगी ना, इंटरेस्ट लगाने के बाद आपको थोड़े फोन करके बोलती है इंटरेस्ट लगाओ या ना लगाओ, वो तो डायरेक्टली डिडक्ट मार लेंगे आपके अकाउंट से, वो आपके अकाउंट से निकाल लेते हैं पैसे, बराबर ना, तो वही आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, मतलब पेमेंट हो जाएगा आपके अकाउंट से, तो बैंक को क्रेडिट होगा और इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस डेबिट होगा, तो ये कैश कॉलम में रिकॉर्ड हो गया, बैंक कॉलम में आप कैश जाके दोगे या आपके अकाउंट से निकालेंगे, वो आपके अकाउंट से निकालेंगे, तो बैंक ये किस कॉलम में रिकॉर्ड होगा, बैंक कॉलम, पेमेंट साइड बैंक कॉलम में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक इज रिकॉर्ड इन द कैश कॉलम, फॉल्स, इट इज नॉट नेसेसरी टू रिकॉर्ड डिसऑनर ऑफ द चेक इन द कैश बुक, फॉल्स। अरे डिसऑनर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्या, जब चेक मिला तब एंट्री क्या आ गई, बैंक टू डेटर या बैंक टू पार्टी, इसने मुझे चेक दिया, तेरा नाम क्या था, मैं भूल गया, पुष्कर ना, हाँ पुष्कर चोटिया, हाँ ध्यान देना, पुष्कर गए मी चेक, एंट्री क्या आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर, बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर, एंड बाद में अगर बाउंस हो गया तो मुझे एंट्री क्या करनी होगी, रिवर्स, क्या एंट्री डालूंगा मैं, पुष्कर टू बैंक, मतलब जब चेक आया मैंने रिसीट वाला दिखाया, बाउंस होगा तो मैं कौन सा वाला दिखाऊंगा, पेमेंट वाला दिखाऊंगा, कैंसिल कर दूंगा ना, सो दिस इज फॉल्स। अच्छा कौन सा चेक बाउंस होने पे कैश बुक में एंट्री नहीं आती, कौन सा चेक बाउंस होने पे कैश बुक में एंट्री नहीं आती, कोई लिखेगा, यस व्हिच चेक इफ गेट डिसऑनर तो बैंक में एंट्री नहीं आएगी, हाँ मानसी बराबर बोल रहे, इंडोस, सपोज पुष्कर ने मुझे चेक दिया और मैंने अनुज को ट्रांसफर किया, तो मेरे बुक्स में पहली एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर, मेरे मैं एंट्री पास कर रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर, ये कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, रिसीट साइड पे। सपोज पुष्कर ने मुझे चेक दिया, ध्यान देना, पुष्कर ने मुझे चेक दिया एक्सेल आई थिंक शेयर रहा, ध्यान देना यहाँ पे देखो, पुष्कर के मैं चेक ऑन 20th April, तो एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर, ही गेव मी चेक ऑफ रुपीज सपोज 15,000, ठीक है, ही गेव मी चेक ऑफ 15,000 आईसीआईसी का, मैंने वो आईसीआईसी में डाला, तूने मुझे चेक दिया, मैंने किस अकाउंट में डाला, आईसीआईसी में डाला, ठीक है। एक्चुअली अब यहाँ पे ऐसे ऐसे अगर मैं डिपॉजिट करने वाला नहीं हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, इंडोर्स करने वाला हूँ, तो मैं अभी फिलहाल ये हाइड करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक ही बैंक है ऐसे पकड़ के चलो, विच इज ऐसे, ठीक है, ध्यान देना। सो यू गेव मी चेक, एंट्री आ गई, यू गेव मी नॉर्मल चेक, इंडोर्स बेरर नहीं दिया तूने, तूने मुझे कौन सा दिया, नॉर्मल क्रॉस चेक दिया, तो तब एंट्री क्या आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर, और मैंने ये चेक अनस को इंडोर्स किया, तो अब मेरे बुक्स में एंट्री आएगी अनस टू बैंक, तो सेम डे पे मैंने अनस को चेक इंडोर्स किया, सेम डे या बाद में भी कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय अनस 15,000, तो मेरे इधर वो पैसे आए भी, रिसीट भी दिख रहा है,
और मेरे इधर क्या दिख रहा है, वो पेमेंट। तो मुझे पुष्कर से चेक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट पुष्कर, फिर मैंने अनस को चेक इंडोर्स किया, इंट्रा के अनस टू बैंक, मेरे लिए कंबाइन एंट्री हुई, अनस अकाउंट डेबिट टू पुष्कर, मेरे लिए एंट्री क्या, तू मेरा डेटर है, तू मेरा क्रेडिटर है, तेरे से लेना है और तुझे देना है, तो तूने मुझे दिया और मैंने तुझे ट्रांसफर किया, मतलब एंट्री क्या आ गई, अनस अकाउंट डेबिट टू पुष्कर। अगर चेक बाउंस होता है, सपोज अनस के बैंक में पैसे नहीं है और तूने तेरे बैंक में चेक डाला, अनस ने उसके अकाउंट में चेक डाला, चेक हो गया बाउंस, तो मेरे बुक्स में एंट्री रिवर्स करनी होगी, उसके वही बोल रहा हूँ ना, उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, तूने चेक डिपॉजिट किया उसके अकाउंट में नहीं है, तो चेक हो गया बाउंस, तो मेरे बुक्स में एंट्री क्या आएगी, मेरे बुक्स में रिवर्स हो जाएगी। अभी एंट्री क्या हुई थी, इनडायरेक्टली अनस टू पुष्कर, अब एंट्री उल्टी हो जाएगी, क्या एंट्री हो जाएगी, पुष्कर टू अनस, ये कैश बुक में आएगा क्या, नहीं, एंट्री क्या आ गई, पुष्कर टू अनस, इसमें कैश या बैंक है, सो एंडोर चेक अगर डिसऑनर होता है ना, इट इज नॉट रिकॉर्ड, लिख लेना चाहिए तो, एंडोर चेक इफ डिसऑनर इज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, चाहे तो उधर ही लिख देना, एंडोर चेक अगर डिसऑनर होता है तो कैश बुक में नहीं आता। अगर एंडोर चेक डिसऑनर होता है ना तो कैश बुक में नहीं आता, समझा, छोटी छोटी चीजें, चेकबुक फैसिलिटीज अवेलेबल टू फिक्स डिपॉजिट, फॉल्स, चेकबुक सेविंग्स या करंट अकाउंट के लिए होती है, बिकॉज पेमेंट करने होते हैं ना, तो एफडी से तो पेमेंट नहीं होता है, फॉल्स, बिजनेसमैन जनरली ऑपरेट सेविंग्स बैंक अकाउंट, फॉल्स, ही ऑपरेट्स करंट, एक कैश बुक इज बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर, ट्रू, दोनों का काम करता है, एक ही ऐसा बुक है जो प्राइमरी बुक भी है और सेकेंडरी बुक भी है, जर्नल भी है और लेजर भी है, दैट इज कैश बुक। सो अगर आप कैश बुक मेंटेन करोगे तो अलग से कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट ओपन नहीं होंगे, इफ यू मेंटेन कैश बुक वो जर्नल भी है और लेजर भी है, तो इसलिए अलग से लेजर में कैश एंड बैंक अकाउंट ओपन नहीं होते, कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यस ऑब्वियसली ट्रू, दोनों का काम करते हैं ना वो, डेबिट कैश डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, अलाउड, यस ट्रू, डेबिट पे कौन सा रहता है, देखो डेबिट पे कौन सा रहता है कैश बुक के, डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट पे कौन सा रहता है, डिस्काउंट रिसीव, बराबर ना, अलाउड इज लॉस डेबिट, रिसीव्ड इज गेन क्रेडिट, आगे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नेवर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नेवर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ट्रू, एंडोर चेक आर ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड इन द बैंक कॉलम, ट्रू, जब आप एंडोर्स करोगे तब पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड होगा, बिकॉज आप एंडोर्स करोगे मतलब आप चेक दे रहे हो ना, पेमेंट हो रहा है, a person who endorses the check is known as endorser, true, so maine anas ko check endorse kiya to I am endorser and anas is endorsee, ab likh lena the person who endorses the check is endorser, right, and the person to whom you endorse the check, jisko endorse karte ho wo endorsee hoga, s double e, drawee isme drawee bank rehti na hamesha, इसमें कोई टेंशन नहीं, अरे हम एंडोर्समेंट की बात करें ना, एंडोर्समेंट में दो पार्टीज रहेगी, एंडोर्समेंट में दो पार्टीज रहेगी, एक आगे, अब लास्ट वाला निकालो, लेजर, हम्म,
पेज नंबर क्या है? 83। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर क्या बोलते हो? पोस्टिंग पोस्टिंग पोस्टिंग। पेज नंबर ऑफ द लेजर, पेज नंबर ऑफ लेजर, लेजर का पेज नंबर लेजर फोलियो, जर्नल का पेज नंबर जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो। पेज नंबर ऑफ लेजर इज LF, लेजर फोलियो जो जर्नल में आता है, एंड जर्नल का पेज नंबर होता है JF जो लेजर में आता है। राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट डेबिट। परफेक्ट। एक्सेस ऑफ डेबिट टोटल ओवर क्रेडिट टोटल क्या बोलते हो आप? एक्सेस ऑफ डेबिट टोटल ओवर क्रेडिट टोटल क्या बोलते हो? डेबिट टोटल इज मोर देन क्रेडिट टोटल, डेबिट बैलेंस। ए बुक ऑफ अकाउंट इन विच ऑल लेजर अकाउंट्स आर मेंटेन, कौन सा बुक होता है जिसमें ऑल लेजर अकाउंट्स आर मेंटेन? देयर आर टू बुक्स। ए बुक ऑफ अकाउंट इन विच ऑल लेजर अकाउंट्स आर मेंटेन, जिसमें सब लेजर अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, कौन सा बुक होता है? हाईएस सीजन नहीं, सब्सिडरी बुक्स इज अ जर्नल, उसमें सब्सिडरी बुक्स मेंटेन होते हैं। लेजर रे ऐसा क्या करते हैं? ठीक है, एक जर्नल एंड लेजर दो बुक्स होते हैं। जर्नल में सब्सिडरी बुक्स रहेंगे, लेजर में अकाउंट्स रहेंगे, लेजर अकाउंट्स रहेंगे। टाइप ऑफ अकाउंट विच आर नॉट बैलेंस्ड बट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन से अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं? देर आर फोर टाइप्स ऑफ अकाउंट, असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से अकाउंट जाते हैं? एक्सपेंस, ओनली एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंस। दैट इज टाइप ऑफ द अकाउंट्स विच आर नॉट बैलेंस्ड, लिखो नॉमिनल अकाउंट्स और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, नॉमिनल और इनकम एंड एक्सपेंसेस। वो इन पी एंड एल में जाते हैं टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। एन अकाउंट वेयर टोटल ऑफ परचेस बुक इज पोस्टेड, परचेस बुक की टोटल कौन से अकाउंट में जाती है? टोटल बुक की परचेस, टोटल बुक टोटल सॉरी परचेस बुक की टोटल कौन से अकाउंट में जाती है? परचेसेस अकाउंट। अरे उस बुक की टोटल उसी अकाउंट में जाएगी ना, डेबिट पे जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस स्टेटमेंट बनाते हो। जब पूरा लेजर बैलेंस होता है तो एक स्टेटमेंट बनाते हो आप बैलेंसेस का, उसका क्या नाम होता है? स्टेटमेंट। यू यूज टू प्रिपेयर स्टेटमेंट, जब पूरा लेजर बैलेंस वगैरह होते थे एक स्टेटमेंट बनाते थे जिसमें सब अकाउंट के बैलेंसेस लिखते थे, ट्रायल बैलेंस, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। स्टेटमेंट पूरे उसमें लेजर बैलेंसेस रहेंगे, लिस्ट बनाओगे ना, इट इज अ फैक्ट, दैट इज अ एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम लेजर टू जर्नल पोस्टिंग। ओके नेक्स्ट, व्हेन द टोटल ऑफ क्या लिखा है? व्हेन द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एक्सिस्ट क्रेडिट साइड, इट इज कॉल्ड एज विच बैलेंस? डेबिट ऑब्वियसली, उल्टा रहेगा तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, बराबर ना। अगेन मस्टरी अकाउंट शोज विच बैलेंस, डेबिट क्रेडिट पॉजिटिव नेगेटिव, मस्टरी अकाउंट में कौन सा बैलेंस रहेगा क्या लगता है? डेबिट। वो क्या होती है? एसेट। नेक्स्ट, डेटर्स अकाउंट शोज विच बैलेंस, डेटर्स कौन सा बैलेंस दिखाएंगे? डेटर्स कौन सा अकाउंट बैलेंस क्या हो क्या लगता है? डेटर्स में कौन सा बैलेंस रहेगा? क्यों? पहले तो डेटर अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट होता है?
असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस चारों में से रहेगा ना। डेटर्स आर विच अकाउंट, कौन से टाइप का अकाउंट रहता है असेट? असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस। डेटर्स असेट होगा, लाइबिलिटी होगा असेट होगा, या इनकम होगा एक्सपेंस होगा। बोलो रे इधर ऑनलाइन बैंक भूमि का कौन सा अकाउंट होता है? विच इज द टाइप ऑफ अकाउंट? इट इज असेट अकाउंट, वी हैव टू रिसीव द मनी, तो डेबिट बैलेंस रहेगा। आगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड एज, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट। आगे डैश डैश इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंसेस इन लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस। पूरे बैलेंसेस से क्या बनता है फिर? ट्रायल बैलेंस, बराबर। आगे टोटल ऑफ सेल्स बुक इज डैश डैश टू सेल्स अकाउंट, एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट, मूव टू सेल्स अकाउंट, पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट और गिवन इन द सेल्स अकाउंट। पोस्टिंग, जब भी अकाउंट होता है वो पोस्टिंग होती है। सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग होगी एंड टोटल पोस्ट होगी। आगे ऑल एंट्रीज आर पोस्टेड फ्रॉम जर्नल टू, ऑल एंट्रीज आर पोस्टेड फ्रॉम जर्नल टू लेजर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस और कैश अकाउंट। कहाँ पे? लेजर। और लेजर में अलग अलग क्या रहेंगे? अकाउंट्स रहेंगे। लेजर इज द नेम ऑफ बुक, उस बुक में पोस्टिंग होगी डिपेंडिंग ऑन द नेम ऑफ द अकाउंट। कैरी डाउन बैलेंस इंडिकेट्स विच बैलेंस, सीडी इंडिकेट्स ओपनिंग बैलेंस, रियल बैलेंस, नॉमिनल बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। कैरी डाउन कौन से बैलेंस के लिए यूज किया जाता है? क्लोजिंग के लिए। एंड ओपनिंग के लिए क्या यूज किया जाता है मैडम? ब्रॉट डाउन। गुड सर। अच्छा एट वाला मीन्स हुआ क्या है? वेजेस अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा वेजेस अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये अभी का नहीं है एक्चुअली, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये हम जो फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने हैं उसमें आएगा। टिक कर देना ट्रेडिंग अकाउंट, तब अपने आप आंसर मिल जाएगा, डोंट वरी। और भूलोगे भी नहीं करना। ये आ गया लेजर इज, हाँ लेजर इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ट्रू और फॉल्स? लेजर इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है? कौन सा बुक होता है? जर्नल। ये होता है सेकेंडरी एंट्री ना, फॉल्स। वहां पे लिख देना सेकेंडरी एंट्री। नरेशन इज नॉट नेसेसरी इन द लेजर, लेजर में नरेशन होता है? लेजर में नरेशन होता है, नरेशन किस में होता है? फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स मानसी। देन ऑल अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ऑल अकाउंट्स आर क्लोज्ड, ओनली नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड। असेट्स एंड लायबिलिटीज को क्लोज नहीं किया जाता, दे आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर थ्रू ओपनिंग एंट्री। तो लिख लेना फॉल्स और डैश करके लिखना ओनली नॉमिनल अकाउंट्स, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग their balances to which account? Profit and loss account. आगे लिख लेना assets and liabilities account balances, ledger में narration नहीं होता है ना, false है, is not necessary। अच्छा true है, हाँ ये true होना चाहिए, मुझे लगा नेसेसरी होता है। वी डोंट गिव नरेशन इन द इसमें ना। अगेन हाँ तो क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, लिखा यहाँ पे लिखा हमने ओनली नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड, नॉमिनल मतलब कौन से? इनकम एक्सपेंस। अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू व्हिच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस। असेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट आर बैलेंस्ड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर, वो क्लोज नहीं होते, वो कहाँ पे जाते हैं? नेक्स्ट ईयर, तब एंट्री आती है। असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल, वो ओपनिंग एंट्री होती है। आगे रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड एज पोस्टिंग,
फॉल्स, वो जर्नलाइजिंग होता है, बराबर ना। आगे, बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज ब्रॉट डाउन टू द नेक्स्ट ईयर। पर्सनल अकाउंट मतलब असेट्स एंड लाइबिलिटीज ना। पर्सन कैन बी असेट और पर्सन कैन बी लाइबिलिटी, क्या लिखा है? इज ब्रॉट डाउन टू नेक्स्ट ईयर, ट्रू, वो नेक्स्ट ईयर में जाता है। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द लेजर, फॉल्स। एक्चुअली कहां पे रिकॉर्ड होंगे? जर्नल में, और फिर पोस्ट होंगे लेजर में। लेजर फोलियो एंड इंडेक्स इज नेसेसरी फॉर लेजर, पेज नंबर्स एंड इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट, ट्रू। क्या होगा कि लेजर के बिगिनिंग में ना इंडेक्स, जब लेजर ऐसे बड़ा बुक रहेगा ना, उसके फ्रंट पे आप इंडेक्स लिखोगे, कैश का कौन सा पेज नंबर है, इसका कौन सा पेज नंबर है, इसका कौन सा, एक प्रॉपर बना के रखोगे। एंड फिर आप लेजर्स ओपन करोगे तो उससे आपको, आप डायरेक्टरी देखो, फोन की डायरेक्टरी कभी देखी आपने? देखी कभी लाइफ में? अभी होती भी नहीं ना, खुद घर में BSNL वालों की आती है, देखो उसमें कैसे प्रॉपर रहता है, क्या रहता है आपके। लाइक एग्जाम्पल, पूरे महाराष्ट्र की है तो विलेज के हिसाब से ABCD। सपोज एक विलेज में गए, सपोज हम एग्जाम्पल गए, सपोज सातारा में, सातारा में तो S में जाना होगा हमें, और उसके अंदर फिर सरनेम के हिसाब से ABCD। समझ में आ रहा है? तो उससे क्या होता है ना, ढूंढना ही तो होता है ना हमें, पेज नंबर वगैरह सब रहेगा ना। तो लेजर में इतने सारे लेजर अकाउंट रहेंगे तो कैसे ढूंढोगे? तो एक हम इंडेक्स ही करके रखेंगे, लेजर के बिगिनिंग में इंडेक्स ऑफ लेजर रहेगी, लिखा जाएगा सपोज एक लाइक ए से पहले अकाउंट, फिर बी से, फिर सी से, सी में कैश इन एंड आएगा, राइट, बी में बैंक अकाउंट आएगा, ए में एयर कंडीशन अकाउंट आएगा, अमर अकाउंट आएगा, ऐसे एक लिस्ट बना के रखोगे, ठीक है। और उस लिस्ट से फिर उस मतलब पेज नंबर रहेगा, तो फिर वो ढूंढोगे, ढूंढना इजी होगा हमारे लिए। आगे, लेजर फोलियो इंडेक्स इज नेसेसरी फॉर लेजर, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, एक लेजर की इंडेक्स रहेगा ना प्रॉपर। आगे, लेजर पोस्टिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर जर्नल प्रॉपर। अरे लेजर पोस्टिंग तो हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, फिर परचेज बुक को, सेल्स बुक हो, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कुछ भी हो, अगर जर्नल है तो उसकी पोस्टिंग तो मैंडेटरी ना। फॉल्स, लेजर फोलियो इज रिकॉर्ड इन द जर्नल, LF is recorded in the, yes, true। आगे, लेजर पोस्टिंग इज मेड बिफोर जर्नल एंट्री, ठीक है। कहां तक आ गए हम? हो गया, सब MCQs किए हैं। यहां पे ट्रायल बैलेंस में आ जाओ, ये भी मैंने किया है इसलिए मैं ले रहा हूं। देखिए कि 7 चैप्टर्स हुए हैं, ये भी समझ लेना। ऑलमोस्ट लग रहा होगा कि हमने किया नहीं है, बट हमने बहुत सारा किया है, ये समझ लेना। लिंक है ना, हर चीज एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। पेज नंबर है 123, पेज नंबर है 123, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एवरीवन, लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, ऐसी लिस्ट होती है जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस की लिस्ट होती है, वो क्या रहेगा? ट्रायल बैलेंस, दैट इज द डेफिनेशन। स्टेटमेंट शोइंग लेजर अकाउंट बैलेंसेस, स्टेटमेंट शोइंग लेजर अकाउंट बैलेंसेस ना। लेजर में जितने बैलेंसेस है, लेजर में जितने अकाउंट है उनके जो बैलेंसेस रहेंगे वो क्या रहेगा, उसकी लिस्ट या स्टेटमेंट को क्या बोलते हो? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। स्टेटमेंट प्रिपेयर टू प्रोवाइड द बेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, स्टेटमेंट प्रिपेयर टू प्रोवाइड द बेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। देखो हमारी स्टेप क्या है, पहले स्टेप है जर्नल या सब्सिडरी बुक्स, दूसरी स्टेप है लेजर, फिर आता है ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस से आता है फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ट्रायल बैलेंस। तो विदाउट ट्रायल बैलेंस वी कैन नॉट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। सो यहां पे लिखा है स्टेटमेंट प्रिपेयर टू प्रोवाइड द बेस फॉर फाइनल अकाउंट्स इज ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आगे, ए साइड वेयर गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस।
ट्रायल बैलेंस के दो साइड रहते हैं, डेबिट कॉलम, डेबिट बैलेंसेस की कॉलम एंड दूसरा होता है क्रेडिट बैलेंसेस। तो गुडविल कौन से कॉलम आएगा, डेबिट कॉलम आएगा क्रेडिट कॉलम में आएगा? डेबिट बिकॉज इट इज असेट। लिस्ट ऑफ बोथ लेजर बैलेंसेस विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर क्लोजिंग द लेजर अकाउंट्स, ये ट्रायल बैलेंस ही है, बोथ नहीं होना चाहिए वो ऑल होना चाहिए। लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर क्लोजिंग ऑल लेजर अकाउंट्स, ठीक है ऑल होना चाहिए। नेक्स्ट, द ट्रायल बैलेंस इज लिस्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और लेजर अकाउंट। एक तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल, ऑल ऑफ द अबो या लेजर अकाउंट, राइट? ऑल ऑफ द अबो भी चल जाएगा, यहाँ पे लिखे ना और ऑल ऑफ द अबो। लेजर अकाउंट तीन ही टाइप के होंगे ना, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, या हम उसको बोलते हैं एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। समझा या नहीं समझा? नेक्स्ट, यस, यहाँ पे देखो, द ट्रायल बैलेंस शोज ओनली, उस दिन भी मैंने बोला था अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, अकाउंटिंग एक्यूरेसी, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और फाइनेंशियल एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल मैंने उस दिन बोला था, अरिथमेटिकल मैथमेटिकल एक्यूरेसी लिखा था ट्रायल बैलेंस, कि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है। ट्रायल बैलेंस इज लेजर, जर्नल, सब्सिडरी बुक और स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बैलेंस इज ऑल्सो स्टेटमेंट, बैंक रिकरेंस स्टेटमेंट इज ऑल्सो स्टेटमेंट, नामी बैंक रिकरेंस स्टेटमेंट, नामी स्टेटमेंट है, ठीक है। देन ट्रायल बैलेंस इज नॉट लेजर, इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग लेजर बैलेंसेस, इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग लेजर बैलेंसेस। द ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अभी मैंने बोला फाइनल अकाउंट्स, इसलिए मैंने बोला आई कैन स्टार्ट विद द फाइनल अकाउंट्स बिकॉज मेरा ट्रायल बैलेंस तो सिखा के हुआ है, विदाउट दैट आई कैन नॉट स्टार्ट फाइनल अकाउंट्स। टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस मस्ट बी टू टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस, डिफरेंट, इक्वल, मोर और लेस, दोनों क्या होनी चाहिए? डेबिट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज विच बैलेंस, सेल्स अकाउंट में कौन सा बैलेंस रहेगा, कौन सा बैलेंस रहेगा सेल्स अकाउंट में? सेल्स इज वॉट, चारों में से असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, क्या होता है इनकम, और इनकम को कौन सा बैलेंस रहता है? राइट, आगे ट्रायल बैलेंस इज जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच, जनरली, अब यहां पे ऐसे नहीं है, ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन डेली बेसिस, ये क्वेश्चन ही गलत है, बट यहां पे अब जनरली लिखा है तो आई विल से हियर, बट यू कैन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उस दिन लेजर बैलेंसेस करो और फिर क्या करो, एक लिस्ट बनाओ, यू कैन प्रिपेयर। सो टैली में तो डेली बेसिस पे मिलता है, दो दो मिनट पे ट्रायल बैलेंस खींच सकते हो क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैन्युअली करोगे तो हर लेजर बैलेंस करते बैठना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम, बट टैली में तो कुछ बैलेंसिंग वगैरह नहीं, वो अपने आप करते हैं, सॉफ्टवेयर है, खाली एंट्री डालनी होती है, ठीक है। एक्चुअली आप ट्रायल बैलेंस किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, बट यहाँ पे लिखा है जनरली हम ईयर के एंड में करते हैं, ठीक है। हाँ वैसे नहीं होता, हम एवरी मंथ बैलेंस करते हैं, आगे लेके जाते हैं, मंथ क्लोज हुआ आगे लेके जाएंगे, मंथ क्लोज होगा आगे लेके जाएंगे। तो अप्रैल में एक बार बैलेंस होगा, मई में बैलेंस होगा, जून में बैलेंस होगा, अप्रैल का बैलेंस मई में, मई का बैलेंस जून में, जून का बैलेंस जुलाई में, जनवरी का बैलेंस फरवरी में, फरवरी का बैलेंस मार्च में, और मार्च में फाइनली क्लोज होगा, ठीक है। और फिर एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा ऐसे, बट एक्चुअली आजकल मैनुअल अकाउंटिंग होती नहीं, जो कुछ भी है टैली भी 15-16 हज़ार में मिल जाता है टैली सॉफ्टवेयर, एंड एवरी ईयर आपको रिन्यूअल 2-3 हज़ार रुपये रहता है, ठीक है। सो इतना कॉस्टली भी नहीं है। आगे, द ड्रॉइंग अकाउंट अपीयर्स इन डैश डैश कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ड्रॉइंग्स को कौन सा बैलेंस रहता है? ड्रॉइंग्स हैज विच बैलेंस, क्या लगता है? बोलो रे यहाँ पे, ड्रॉइंग्स अकाउंट अपीयर्स इन डैश डैश कॉलम, ड्रॉइंग्स इज अ डेबिट बैलेंस,
हाँ तो ड्रॉइंग्स डेबिट रहेगा ना, एंट्री क्या आती है ड्रॉइंग्स टू कैश, मतलब ड्रॉइंग्स क्या रहता है डेबिट। अगर नहीं है बैलेंस समय तो एंट्री सोचो ना, एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग्स की एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू कैश तो डेबिट रहेगा, समझा। इनकम टैक्स अपीयर्स इन डैश डैश कॉलम, इनकम टैक्स इलेवंथ में, इनकम टैक्स मतलब ड्रॉइंग्स लिख लेना, इनकम टैक्स इलेवंथ में, इनकम टैक्स मतलब क्या होता है ड्रॉइंग्स। इलेवंथ में इनकम टैक्स होता है ड्रॉइंग्स, क्योंकि इनकम टैक्स 100 रुपए पड़ के इनकम टैक्स उसका पर्सनल हो गया राइट, तो ड्रॉइंग्स किस कौन से कॉलम में आएगा, डेबिट। इलेवंथ में इनकम टैक्स होता है ड्रॉइंग्स। डैश डैश अकाउंट्स यूजुअली शोज डेबिट बैलेंस, पर्सनल रियल नॉमिनल और इनकम, रियल रियल मतलब असेट्स, लेजर फोलियो ठीक है रियल। अरे ये लिंकिंग समझ लेना, ये लिखो, जब तुम बोलते हो ना ध्यान देना, रियल अकाउंट दूसरे होते पर्सनल अकाउंट, तीसरे होते नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, पर्सनल अकाउंट के दो बैलेंसेस हो सकते हैं, एक हो सकता है डेबिट बैलेंस, दूसरा हो सकता है क्रेडिट बैलेंस। वैसे ही नॉमिनल अकाउंट के भी दो बैलेंस हो सकते हैं, वैसे ही नॉमिनल अकाउंट के दो बैलेंसेस हो सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। रियल अकाउंट विथ जो डेबिट बैलेंस होता है उसको हम हमारी लैंग्वेज में असेट अकाउंट बोलते हैं, कौन से असेट्स। पर्सनल अकाउंट विथ डेबिट बैलेंसेस दे आर डेटर्स, हम उनको असेट्स बोलते हैं। तो असेट्स आर टू, जो आप बोलते हो ना रियल नॉमिनल पर्सनल, असेट मतलब रियल, रियल अकाउंट इज ऑलवेज असेट, एंड पर्सनल अकाउंट विद डेबिट बैलेंसेस आर असेट्स, पर्सनल अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंसेस वो लाइबिलिटीज होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं वो। वो होते क्रेडिटर्स, सो लाइबिलिटीज आर ऑलवेज पर्सनल, किसी को पे करना होता है वो हमेशा पर्सन होता है, समझ में आ रहा है। लाइबिलिटी अकाउंट आर ऑलवेज ऑलवेज पर्सनल, असेट अकाउंट कैन बी रियल और कैन बी पर्सनल। नॉमिनल अकाउंट विद डेबिट बैलेंसेस आर एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंस आर इनकम्स। ये लिंकिंग है दोनों की, ये लिंकिंग है। पर्सनल अकाउंट डेबिट मतलब डेटर्स असेट, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंसेस मतलब क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज। सो अगर कोई बोलता है कि असेट्स मतलब क्या, आप बोलो या तो रियल अकाउंट या तो पर्सनल अकाउंट विद डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज मतलब ऑलवेज पर्सनल अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस मतलब नॉमिनल अकाउंट विद डेबिट बैलेंस, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंस। ये लिंकिंग है, समझ में आ रहा है। सो असेट्स आर इधर रियल और पर्सनल, लाइबिलिटीज आर ऑलवेज पर्सनल, असेट आर इधर रियल और पर्सनल, लाइक मशीनरी रियल, कैश रियल, बैंक अकाउंट पर्सनल, डेटर अकाउंट पर्सनल, असेट ही है, कैपिटल लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी लाइक कैपिटल पर्सनल, बैंक लोन पर्सनल, ओवरड्राफ्ट पर्सनल, राम इज माय क्रेडिटर लाइबिलिटी है पर्सनल, लाइबिलिटी ऑलवेज टुवर्ड्स सम पर्सन, ठीक है आगे नेक्स्ट। सो अकाउंट्स यूजुअली हैव यूजुअली शो डेबिट बैलेंस, रियल अकाउंट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, ए ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट मैडम, फॉल्स, इट इज ए स्टेटमेंट। A trial balance is useful or helpful for preparation of the final account. True. The trial balance is most important document. One of the document, obviously.
ट्रायल बैलेंस मे बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट, ट्रू, कभी भी बना सकते, मैंने अभी बोला, इट्स योर चॉइस, कभी, जनरली ईयर के एंड में बना, तो डज नॉट मीन कि ईयर के एंड में बनाना है, यू कैन प्रिपेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इन द ट्रायल बैलेंस ओपनिंग स्टॉक इज रिकॉर्ड इन द क्रेडिट कॉलम. स्टॉक इज वॉट, असेट ना, स्टॉक इज वॉट, असेट, असेट एज विच बैलेंस, असेट का बैलेंस कौन सा होता है, हमेशा डेबिट, तो कौन से कॉलम में आना चाहिए मैडम, डेबिट, तो दिस इज रॉन्ग ना, फॉल्स. टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द अकाउंट आर टेकन इन ग्रॉस ट्रायल बैलेंस. हाँ, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में बैलेंस लेते, टोटल लेते हैं, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, और फिर निकालते हैं नेट बैलेंस. सो ग्रॉस इसमें टोटल बेसिस पे होता है, और नेट इस पे बैलेंस बेसिस. ट्रायल बैलेंस बनाने के दो तरीके हैं, एक होता है ग्रॉस एंड दूसरा होता है नेट. ग्रॉस में हम टोटल्स लेते हैं और नेट में बैलेंस लेते हैं. लाइक एग्जांपल, कैश की डेबिट टोटल इज 1 लाख एंड क्रेडिट टोटल इज 80,000, तो वो ग्रॉस वाला इसे बनेगा कैश, लिखा जाएगा डेबिट टोटल 1 लाख, क्रेडिट टोटल 80, टोटल लिखी जाएगी. और दूसरा ट्रायल बैलेंस होता है जिसमें नेट लिखा जाता है, कैश नेट 20. जनरली हम ये टाइप का ट्रायल बैलेंस करते हैं, ये टाइप का ट्रायल बैलेंस जस्ट आपके सिलेबस में, ये बनाते नहीं कभी. हाँ, क्या बोल रहा हूं, ये जो है ना, दिस कैश की डेबिट टोटल इज 1 लाख, कैश की क्रेडिट टोटल इज 80, हमने बैलेंस नहीं किया, हेल्थ टोटल लिख के रखा है. अगर ऐसे ट्रायल बैलेंस बनाओगे, लाइक एग्जाम्पल, राम का डेबिट बैलेंस, सॉरी डेबिट टोटल इज सपोज 50 एंड क्रेडिट टोटल इज 70, हम टोटल्स लिख रहे हैं और ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस ट्रायल बैलेंस. इसको कौन सा बोलते हैं, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, जिसमें टोटल लिखे जाते हैं. एंड ये होता है नेट ट्रायल बैलेंस. लाइक फिर यहाँ पे राम के इसमें क्या लिखा जाएगा, डेबिट पे लिखा जाएगा, क्रेडिट पे लिखा जाएगा, क्रेडिट पे लिखा जाएगा कितना, 20, उसमें नेट क्रेडिट रहेगा 20. जनरली हम नेट ट्रायल बैलेंस फॉलो करते हैं, ना कि ग्रॉस. कभी भी लाइफ में देखोगे तो नेट ट्रायल बैलेंस ही देखोगे, ना कि ग्रॉस. बट आपके सिलेबस में लिखा ही है, जो वाहियात है उसका कोई यूज नहीं, ऐसे ही ठीक है. मैं 11th में आने के बाद मुझे याद आता है कि ऐसे भी कोई ट्रायल बैलेंस है, जब सिखाना पड़ता है तो ऐसे कोई ट्रायल बैलेंस कोई बनाता नहीं, बट है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि ग्रॉस बेसिस पे भी कर सकते हो, और एक्चुअली होता है नेट बेसिस पे, ठीक है. सो यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द अकाउंट्स, टोटल लेने को बोलते हैं ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, दिस इज ट्रू. परचेस अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, व्हाट यू फील, परचेस आर एक्सपेंसेस ना, ऑलवेज शोज डेबिट, ट्रू. ट्रायल बैलेंस इज लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस, ट्रू. ए ट्रायल बैलेंस डज नॉट इंश्योर अकाउंटिंग एक्यूरेसी. ट्रायल बैलेंस इंश्योर्स विच अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ये करेक्ट, ट्रू है. ट्रायल बैलेंस कौन से एक्यूरेसी देता है, अरिथमेटिकल, ये रेक्टिफिकेशन में और समझ में आएगा. ट्रायल बैलेंस यूज, इतना याद रखना, अरिथमेटिकल, मैथमेटिकल एक्यूरेसी कौन देता है, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं देता है, ठीक है. ट्रायल बैलेंस शोज ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. शायद से ये क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे, इफ यू रिमेम्बर, मैंने ट्रायल बैलेंस करने को दिए थे, आई रिमेम्बर, ये सब क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, चाहे तो आप चेक कर लेना, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो. किया था ना मैंने, ऑलमोस्ट होमवर्क दिए है, तब आप बुक नहीं दे पाया था, बिकॉज वो फेस टू फेस नहीं था. ओके, एक सेकेंड, ये होमवर्क में दी थी, आई रिमेम्बर. एक सेकंड, मुझे क्या लेना था, जितने हुए सबके हमने एमसीक्यू सॉल्व किया अभी तक, ठीक है. पेज नंबर 86,
पेज नंबर 86 निकालो। उसका क्वेश्चन 6 देखो। ये आपके सामने है, ठीक है, ध्यान देना। कौन सा? गीता वाला ना। क्या लिखा है पढ़ो। व्हाट इज गिवन? सीता's अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ गीता रुपीज 8,000। ठीक है, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान देना मैडम। They have asked us to prepare Sita's account in the books of Gita. तो हम अकाउंटेंट सीता के या गीता के? हम अकाउंटेंट किसके हैं? We have to prepare Sita's account in the books of Gita. किसके अकाउंटेंट हैं हम? गीता। तो लिखो in the books of, चलो in the books of तो ये क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन थे जो मेरे से आपके टेक्स्ट बुक में नहीं थे, बट मुझे लेने थे वो। वी आर द अकाउंटेंट ऑफ गीता ना, इन द बुक्स ऑफ गीता लिखो, इन द बुक्स ऑफ गीता। व्हाट इज पेज नंबर? पेज नंबर क्या है रे? 86। पेज नंबर 86। पेज नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 86, क्लास नोट्स। ठीक है, ध्यान देना क्या लिखा है, ध्यान देना। इन द बुक्स ऑफ गीता सेजल कुछ है तो पूछते जा, ठीक है, ऐसे नहीं करने का, कुछ भी है तो पूछने का। गीता सीता जाता हूं, हमें खाली एक ही अकाउंट करने का बोला, बाकी अकाउंट्स वो भी इग्नोर, ठीक है, बाकी अकाउंट्स हम इग्नोर करेंगे। मतलब बाकी भी अकाउंट्स रहेंगे बट हमें उनमें से एक ही करना है। डेट पर्टिकुलर्स LF सॉरी JF एंड अमाउंट, राइट ना? डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। सो हमें गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज करनी है। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है? गीता। चलो करो जल्दी। फर्स्ट क्या लिखा जान लेना, क्वेश्चन आपके सामने भी है तो आप वहां पे भी देख सकते हो, ठीक है। सीता अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ गीता। सीता के अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस 2011 अप्रैल 1st, 2011 अप्रैल। मैडम क्रेडिट बैलेंस है मतलब डेबिट पे लिखो या क्रेडिट पे लिखो? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है, किधर आना चाहिए? मैडम क्या लिखा है?
सीता's account shows credit balance. क्रेडिट बैलेंस है, सीता's account shows credit balance of 1000. डेबिट पे आएगा या क्रेडिट पे आएगा? क्रेडिट पे. बाय बैलेंस डॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस है 1000 रुपीज. अब मुझे बोलो गीता के लिए सीता डेटर या क्रेडिटर? गीता के लिए सीता, हम गीता के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, सीता कौन है हमारे लिए, डेटर है या क्रेडिटर है? व्हाट यू फील? डेटर. अच्छा कौन है और हमारे लिए यहां पे कोई क्रेडिटर है? अगर डेटर का कैसे क्रेडिट बैलेंस रहेगा मैडम? डेटर का क्रेडिट बैलेंस कैसे रहेगा? क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस से मतलब वो लाइबिलिटी है ना, तो हाउ कैन ही डेटर कैन हैव क्रेडिट बैलेंस या क्रेडिटर कैन हैव डेबिट बैलेंस, ये पॉसिबल ही नहीं. तो ये मेरी क्रेडिटर है, मतलब सीता इज सपोज टू पे 1000 टू सीता. क्या बोलो ध्यान देना, गीता, वी आर गीता, सो हमें सीता को 1000 रुपीज पे करने, ठीक है. आगे नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू सीता ऑन पर राइट, रिटर्न गुड्स टू सीता 500, क्या एंट्री आएगी? हमने सीता को गुड्स रिटर्न किए, व्हाट विल द एंट्री? हमने सीता को गुड्स रिटर्न किए, व्हाट विल द एंट्री? गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती से तो सीखोगे. यस, सीता अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, तारीख क्या है? थर्ड ना, सो डेबिट पे आएगा सीता अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, कितना मैडम? 500. हमने उसको डेबिट किया इसलिए हम उसको डेबिट नोट इश्यू करते हैं, परचेस रिटर्न में डेबिट नोट आती है. अब हमें उसको कितना देना है बोलो, अब हमें उसको कितना देना है, अभी हमें उसको कितना देना पड़ेगा बोल सकती हैं? हमें उसको कितना देना होगा? सीता को हमें सीता को कितना देना है? 1500 देना पड़ेगा. 1500. अरे बैलेंस कितना है मैडम? 1000 बैलेंस है. कितना बैलेंस हुआ अभी? व्हाट इज द बैलेंस नाउ? हाँ बोल पुष्कर. 1500 बैलेंस हुआ, कितना देना पड़ेगा रे? 500. आगे, अरे बैलेंस 500 होगा ना, अभी क्रेडिट बैलेंस 500 रहेगा, बैलेंस कम हो गया ना. आगे नेक्स्ट, आगे उसके बाद देखो क्या लिखा है, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सीता, क्या एंट्री आएगी हमारे बुक्स में? एंट्री क्या आएगी बट जर्नल एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू सीता, कौन सी तारीख? 5 को ना, 3000 बाय परचेस. कितना? 3000 ना. तो अब कितना बैलेंस हो गया मैडम? कितना पे करना है उसको हमें, क्या लगता है तुझे? कितना पे करना होगा? 3500. पहले 1000 पे करना था, फिर 500 रिटर्न किया, कितना बाकी था? 500 और 3000 का परचेस किया, तो अब कितना पे करना है? 3500, ठीक है. आगे नेक्स्ट, यस, पेड कैश टू सीता, क्या एंट्री आएगी? सीता को हमने पेमेंट किया, सीता अकाउंट डेबिट टू कैश 6 को 800, तो अब कितना बैलेंस बचेगा मैडम? कितना पे करना था इसके पहले? 3500 ना, उसमें से 800 गया ना, तो कितना बैलेंस रहेगा? 2700. क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो बैलेंस कम होगा ना. आगे नेक्स्ट, हाँ बोलो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सीता, सीता से 2000 आ गया, क्या एंट्री आएगी? कैश टू सीता, तारीख क्या है? 10. कैश डेबिट सीता क्रेडिट, सीता के क्रेडिट पे आएगा बाय कैश. पहले हमें उसको कितने देने थे? 2700 देने थे. कितने देने थे? 2700. उसमें हमने उसे और 2000 लिए, तो टोटल कितने देने होंगे? 4700. इफ यू फाइंड आउट बैलेंस इट विल बी 4700. आगे, रिटर्न गुड्स क्या लिखा देखो, रिटर्न गुड्स
टू सीता 700, हमने सीता को गुड रिटर्न किया है, क्या एंट्री आएगी? टू परचेस 15 को टू परचेस सीता अकाउंट डेबिट परचेस कितने का रिटर्न किया? 15 को 700, तो हमें उसको टोटल कितने देने थे? 4700 देने थे, उसमें से 700 रिटर्न किया ना, तो अभी कितना बैलेंस है मैडम? 4000। कितना बैलेंस है? 4000। आगे क्या लिखा है? पेड 3700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, उसको पे कितने करने? 4000, और हमने कितना पेड कर दिया? 3000 इन फुल सेटलमेंट। एंट्री क्या आएगी मैडम? पे करने थे 4000 और फुल सेटलमेंट में 3700 है, तो व्हाट विल द एंट्री? कैश अकाउंट। सोच के बोल दो, कुछ इतनी जल्दी कोई नहीं भाई, थोड़ा सोच के बोलते जा। अलाउड या रिसीव्ड? रिसीव्ड। तो एंट्री आएगी सीता अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश, कितना पेमेंट किया? 3700 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डेट क्या है? 30। बैलेंस रहेगा क्या उसके अकाउंट में? आप नहीं, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, चेक करो डेबिट की टोटल कितनी है? 500 प्लस 800 1300 प्लस 700 2000, 2000 प्लस 4000 टोटल 6000, क्रेडिट की टोटल 6000, देयर इज नो बैलेंस डेबिटिंग, क्योंकि आपने उसका अकाउंट क्लोज किया ना, आपने उसका अकाउंट क्लोज किया ना, अब वो ना ही डेटर है ना ही। सर ये जो 30 डे की है उसकी जर्नल में क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट 4000। तू पैसे ले रहा है या दे रहा है ये पहले डिसाइड कर। दे रहा हूँ, सॉरी, तू सीता अकाउंट डेबिट, हाँ, तू डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, हाँ, कैश देगा तो क्रेडिट होगा ना। आगे ठीक है, आगे समझा? नीचे ऐसे क्वेश्चन है, गोरे एंड काले, क्वेश्चन नंबर 7। सो देखो एक ये देखो, ध्यान देना यहां पे, इस क्वेश्चन में ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, एवरीवन, शी इज डेटर, गीता वॉज डेटर एंड सीता वॉज क्रेडिटर, क्रेडिटर थी राइट, 1000 परचेस करने पे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, हमने उनसे कैश ले ली, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, हमने रिटर्न किए, क्रेडिटर्स विल डिक्रीज, हमने पेमेंट किया, क्रेडिटर्स विल डिक्रीज, हमने रिटर्न किए, क्रेडिटर्स विल डिक्रीज, हमने पेमेंट किया, क्रेडिटर्स विल डिक्रीज, उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया, क्रेडिटर्स विल डिक्रीज, समझा? क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं बिकॉज वी परचेस फ्रॉम देम एंड वो डिक्रीज होते हैं बिकॉज वी पे टू देम और वी रिटर्न द गुड्स टू देम, ठीक है? देन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बुक्स ऑफ, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर गोरेज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ काले एंड कालेज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गोरे, हमें दोनों के लिए बोला है, तो पहले हम क्या करेंगे, काले के बुक्स में गोरे का अकाउंट करेंगे, लिखो क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर क्या है? 86 इन द बुक्स ऑफ पहले किसी एक केस में करेंगे, गोरेज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ काले, काले के बुक्स में गोरे का अकाउंट, और फिर उल्टा कर देंगे, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो पहले हमें काले के लिए एंट्री करनी है, ठीक है? चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो जल्दी,
नेक्स्ट, अब ध्यान देना, तुम लोग जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना कम है, ये समझ लेना। आपको लगता होगा कि वही वही क्वेश्चन से या सेम है, बट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका समझना भी उतना इंपॉर्टेंट है। काले's अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस ऑफ 1000 इन द बुक्स ऑफ गोरे। काले's अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ गोरे, और हम किसके बुक्स में क्या कर रहे हैं, किसके बुक्स में किसका अकाउंट है हमारा, हमने किसके बुक्स में किसका निकाला है, काले के बुक्स में गोरे। अब यहां पे वर्डिंग क्या है, काय गोरे के बुक्स में काय का कौन सा बैलेंस है डेबिट, ध्यान देना। यह है काय यानी गोरे, काय के बुक्स में जो गोरे का अकाउंट है, काय के बुक्स में जो गोरे का अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस है कितना 1000। तो गोरे के बुक्स में जो काले का अकाउंट रहेगा वो कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1000। तो हम क्या कर रहे हैं, किसके बुक्स में निकाल रहे हैं, काय के बुक्स में गोरे का अकाउंट ना। अब देखो क्या लिखा है, काय's अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ गोरे, इसका मतलब लिख लेना, दैट इज राइट, गोरे's अकाउंट शोज विच बैलेंस, शोज क्रेडिट बैलेंस, उल्टा अमाउंट तो सेम रहेगी रुपीज 1000, इन हुज बुक्स, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ होम, इसका ही मतलब होता है, अगर मेरे बुक्स में तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस है, मेरे बुक्स में तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस है तो तुम्हारे बुक्स में मेरा कौन सा रहेगा, डेबिट, समझा, उल्टा रहेगा। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, तो हम किसके बुक्स में कर रहे हैं, काय के बुक्स में कर रहे हैं ना, बराबर ना, हम किसके बुक्स में क्या कर रहे हैं, काय के बुक्स में गोरे। तब काय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, गोरेज अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1000, तो गोरे के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस बढ़ लो 1000। डेट क्या है मैडम, 2011 अप्रैल 1। अब मुझे बोलो, हम हमारे बुक्स में गोरे का कौन सा, गोरे डेटर या क्रेडिटर है, वी आर काय, हमारे बुक्स में गोरे डेटर या क्रेडिटर है, क्रेडिटर है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। आगे दिमाग चाहिए थोड़ा, सोच के आंसर दे दो, कोई जल्दी नहीं। गोरे सोल गुड्स 2000, हम कहा है गोरे सोल गुड्स, तो हमने उससे क्या किया, उसने सेल किया, हमने उससे क्या किया, परचेस, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू गोरे, तो परचेस को डेबिट और गोरे को क्रेडिट 1 तारीख को बाय परचेसेस, बराबर बाय परचेसेस कितना रहे, कितने का परचेस किया हमने 2000, तो अब हमें उसको टोटल कितने देने, 3000, पहले के 1000 और अभी के 2000, 3000 देने, बराबर मैडम। नेक्स्ट, काय मतलब हमने, वी आर काय, वी पेड कैश टू गोरे 1500, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आएगी, वी पेड कैश, क्या एंट्री आएगी थर्ड को, गोरे टू कैश, गोरे के डेबिट पे टू कैश, कितना पेड किया मैडम हमने, तो अभी भी कितना पे करना बाकी है, यस 3000 में से हाफ पेड किया आपने 1500, तो वो अभी भी आपका क्रेडिटर है, क्रेडिट साइड है, अभी भी क्रेडिट साइड है उस अकाउंट में, अभी भी हमारा क्रेडिटर है 1500 का। आगे उसके बाद काय रिटर्न गुड्स टू गोरे, हमने उसको गुड्स रिटर्न किए कितने के, 300 के 8 तारीख को, क्या एंट्री है, हमने उसको गुड्स रिटर्न किया, परचेस रिटर्न राइट, परचेस का ट्रांजेक्शन रहेगा, क्या एंट्री आएगी, गोरे अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, को कितने के 300 ना मैडम, अभी भी कितना पे करना बाकी होगा, पहले पे करना बाकी था 1500, रिटर्न किए 300, अभी कितना बाकी रहेगा 1200, चाहे तो चेक करो, क्रेडिट इज मोर देन डेबिट बाय 1200, तो हमारा अभी भी क्रेडिट है कितने का 1200। अगर समझ में आ रहा है मैं क्या क्या सिखा रहा हूं। आगे नेक्स्ट, गोरे रिसीव्ड एक चेक फ्रॉम काय रुपीज 800,
गोरे रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम काय रुपीज 800, मतलब हमने उसको चेक दिया ना, हम काय हैं, एंड डिस्काउंट अलाउड 100, मतलब हमने उसको चेक दिया और हमें डिस्काउंट मिला उसने, राइट? तो एंट्री क्या आएगी, हमने उसको चेक दिया, हमारे बुक्स में एंट्री क्या आएगी, काय के बुक्स में एंट्री क्या आएगी, गोरे अकाउंट डेबिट टोटल कितना? ओके, डेबिट या क्रेडिट क्या एंट्री आएगी? हाँ क्रेडिट इनकम है, हाँ बोल क्या आएगा फिर? हाँ एंट्री मुझे ठीक से एंट्री चाहिए, हाँ बोलो, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट भी, कैश नहीं चेक है मतलब बैंक, हाँ गोरे अकाउंट डेबिट टोटल कितना आएगा? 900, गोरे अकाउंट डेबिट 900 टू कितना 100 800, सो लिखो गोरे अकाउंट डेबिट, तारीख क्या है 10, गोरे अकाउंट डेबिट टू बैंक 800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100, डिस्काउंट रिसीव्ड 100 आ गया। तो अभी कितना पे करना बाकी था? 2000, 3000, 3000 में से 1500 गए, 1500 बाकी है, 1500 में से 300 गए, 1200 बाकी थे ना, 1200 में से 900 गए, अभी कितना बाकी है? 300। आगे क्या हुआ? काय पे 250 इन फुल सेटलमेंट, हमने उसको 250 फुल सेटलमेंट में पेड किया 15 तारीख को, तो क्या एंट्री आएगी? उसको 300 पे करना है, हमने 250 फुल सेटलमेंट में पेड किया, तो क्या एंट्री आएगी? गोरे अकाउंट डेबिट 15 को टू कैश 250 टू डिस्काउंट रिसीव 50, अकाउंट विल ऑब्वियसली टैली 3000 पे टैली होगा, कोई बैलेंस नहीं बचेगा बिकॉज हमने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, ठीक है? अब हमें क्या बोला है, उल्टा करने को बोला है ना, तो लिखो इन द बुक्स ऑफ गोरे काय अकाउंट, एग्जैक्टली उल्टा, इन द बुक्स ऑफ गोरे काय अकाउंट, ठीक है? एग्जैक्टली उल्टा होगा, उल्टा होगा मतलब क्या, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, जब जब काय ने गोरे को डेबिट किया, जब जब काय ने, ये आप देखो, जब जब काय ने गोरे को डेबिट किया तब तब गोरे काय को क्या करेगा, ट्रेड करेगा, उल्टा। सो लिखो यहाँ पे बाय क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो इसमें क्या रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 April 1st, बराबर। उसके बाद यहाँ पे बाय परचेसेस है, काय के लिए परचेसेस है, तो गोरे के लिए क्या रहेगा, सेल्स, टू सेल्स, इतना 3000 ना, 2000, ये कौन एक तारीख को ही, बराबर एक को ही उल्टा लिख देने का। अच्छा यहाँ पे काय के बुक्स में टू कैश है, तो इसके बुक्स में भी कैश ही रहेगी ना, कैश दोनों के लिए सेम रहेगी, तो थर्ड को बाय कैश कितना 1500, बराबर। इसके बुक्स में टू परचेस रिटर्न है, तो इसके बुक्स में क्या रहेगा, सेल्स रिटर्न है 8 को, कितना 300। इसके बुक्स में टू बैंक एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो इसके बुक्स में क्या रहेगा, बाय बैंक एंड अलाउ, दोनों के लिए बैंक बैंक ही रहता है,
यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अलाउड ना, कितना 800 एंड 100। नेक्स्ट इलेवेंथ हो गया, या इलेवेंथ या टेंथ है जो कुछ भी। फिफ्टीन को देखो, यहाँ पे टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे क्या आएगा 15 बाय कैश एंड कितना 250 एंड हो गया टेन। एग्जैक्टली उल्टा लिख देंगे 3000 3000, एक का आ गया तो दूसरे का अपने आप आ जाएंगे। एक का आ गया तो दूसरे का आएगा ही, अगर दैट हैज टू। ठीक है, योर होमवर्क इज, आपको कौन सा करना मैं बोलता हूं, इसमें से है ना ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 5 करो, पेज नंबर 86 का, कोई तो ग्रुप पे भी उसका फोटो डाल देना। क्वेश्चन नंबर 5 करो एंड क्वेश्चन नंबर 8 करो, ठीक है। 5 8 and 9 5 8 and 9 5 8 and 9, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो फेस टू फेस आ जाओ, मैं कभी बोलता हूं, क्योंकि तुम लोग इलेवेंथ में ऑफलाइन इज अ बेटर, ट्वेल्थ में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्वेल्थ को सब पता होता है, डेबिट क्या, क्रेडिट क्या, कैसे क्या। जब तक तुम लोग नहीं आओगे ना, सामने सामने चीजें बनती है, ऑलवेज रिमेंबर, ऑप्शन ही नहीं था तो ऑनलाइन इज ऑलवेज गुड, ऑप्शन ही नहीं है। बट अगर, और आपको भी पता आप घर पे कितना करते हो, सच्चे में आप घर पे करते हो तो घर पे रुको, अगर नहीं करते तो इधर आ जाओ, इधर एटलीस्ट करोगे, सामने रहोगे ना, खुद पे कंट्रोल रहता है, राइट, अंडरस्टैंड। खुद होके कंट्रोल नहीं कर सकते खुद को, तो किसी और के हवाले सौंप दो, वो आपको कंट्रोल करेगा। सेजल घर में कुछ नहीं करती, करती है, होता है घर में, या बाकी काम रहते घर में, वही होता है ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, होगा क्या कि तू कितना भी करने बैठ कुछ ना कुछ काम रहेगा, लड़कियों तो काम बहुत रहते हैं। हाँ तो मैं वही बोला ना, तू वही बोल रहा हूँ कि फिर क्या करने का, आने का घर में, मैं बोलता हूँ घर में पढ़ाई का जो आपको भी पता चला होगा, टेंथ तक आपने कैसे पढ़ाई की और इलेवंथ में कैसे हुआ, तभी जितना हो सकता हमने किया, ऐसे नहीं कि नहीं किया, बट मैं बोल रहा हूँ कि देखो ट्वेल्थ में 0% हमें प्रॉब्लम आया, जो है मैं बोलता हूँ सब हमने ठीक से किया, बिकॉज दे नो डेबिट, दे नो क्रेडिट, एवरीथिंग, फाइनल अकाउंट्स वगैरह सब था ट्वेल्थ में, उस पर आगे काम करना है तो दे नो द बेसिक्स। तुम्हारी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई बच्चे अच्छे से कर रहे, कोई बच्चे नहीं कर रहे, और क्या होता है इससे डिसिप्लिन लगती है, क्लासेस में आने से डिसिप्लिन होती है कि मुझे इस टाइम में जानना है, मुझे करना है, और सामने सामने होने से चीजें और अच्छे से होती है। और जो पुणे के बाहर के, मैं उनको बोलूंगा जो बीड वगैरह वहां से बच्चे हैं, तुम लोग आ जाओ, घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, घर वाले बोल रहे हैं कि ये वो, 2 मंथ के लिए क्यों जाना है, 3 मंथ के लिए क्यों जाना है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। क्योंकि अभी रहोगे बाहर तो आपको आदत लग जाएगी बाहर रहने की, घर वालों को बोलो, वैसे भी आप पुणे में आने वाले थे, कॉलेजेस भी ओपन हुए ऑलमोस्ट, और अब बंद नहीं होगा, राइट अंडरस्टैंड, कितना भी कुछ हो बंद नहीं होगा, यू हैव टू टेक योर केयर, खुद की केयर खुद रखना है, उतना तो करो, मतलब अननेसेसरी भीड़ में नहीं जाना है, और मॉर्निंग में है तो भीड़ नहीं रहती, सुबह आओगे सुबह जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, और कॉलेज में दोस्त बनेंगे, बट ऐसे मास्क पहन के रहना पड़ेगा ना, ऐसे घूमना नहीं, अननेसेसरी मत घूमना, कैंपस में वैसे ही घूम रहे हो विदाउट मास्क, ये अभी 1 साल और बहुत केयर लेनी पड़ेगी, होगा कुछ नहीं बट केयर तो लेनी पड़ेगी ना, समझ में आ रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा कि प्रेफरेबली आप सामने आना, अभी कोई लोग आए भी पुणे में, ये यश वगैरह, यश भागवत शायद से, या आई थिंक और कौन आया था, आई फॉरगॉट द नेम, 2-3 लोग और आए पुणे में। सुबह उठना नहीं होता, अगर ये रीजन है तो छोड़ दो, आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, आपसे कुछ नहीं होगा,
सच्ची बोलता हूँ, सुबह उठना नहीं होता सर हम लोगों से, तो फिर कुछ नहीं होगा लाइफ में, दैट इज नथिंग इज पॉसिबल। आप लोगों का मैच होगा 8 बजे का, ठीक है।